वियतनाम के गांव भी देख लो कि वियतनाम में लोग ऐसे घर बनाते हैं नदियों के ऊपर। इस देश के गांव की जो हालत है ना वो कुछ ऐसी है कि भैया यहाँ के लोगों को खाने के लिए गरीबी की वजह से इस तरीके से गुजारा करना होता है। घर पे नाव बनाते हैं वियतनाम के ना, घर के अंदर लेके चलता हूँ। देखो भाई रोड साइड में ना पूरे वियतनाम के झंडे लगे हैं, देखो बॉर्डर पार कर रहे हैं हम लोग। वियतनाम के गांव है और यहाँ पे ना खेती कुछ इस प्रकार होती है भाई। देखो ये होते हैं वियतनाम के पेट्रोलियम कैसे होते हैं और बिल कितना है देखो आपका 45,000 रुपए का 2 लीटर पेट्रोल पड़ा है। किसी भी देश में जा रहे हो तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बुला लेना, वो इंटरनेशनल लाइसेंस होता है। क्या आपने आज से पहले ऐसे कब्रिस्तान देखे थे जैसे वियतनाम में है कब्रों के अंदर? तो भाई ये सुना आवाज आप इसकी चुप ना की पता नहीं की आवाज आ रही है। तो भाई साहब आपने आज से पहले कभी ऐसी स्कूटी देखी है? भाई कितनी क्यूट सी स्कूटी लग रही है भाई, देखो वाओ यार। और ये पता कहाँ खड़ी? ये खड़ी है वियतनाम के गाँव में गलियों में। कमाल है भाई, ऐसी स्कूटी इंडिया में भी होनी चाहिए ना, छोटी सी बिल्कुल मस्त लगी ना। सुहैल जी नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके? सभी लोग को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और इस समय मैं हूँ आपका वियतनाम में, और वियतनाम में ये मेरा कौन सा दिन है मैं खुद ही भूल गया। ऐसा लग रहा कि मैं वियतनाम का ही वासी हूँ। मतलब मैं एक एक शहर घूमते घूमते ना पता नहीं कितने शहर घूम गया वियतनाम के। लेकिन आज मैं ना एक विलेज वाले एरिया में आया हूँ, होई आन। मैं आज आपको होई आन के गाँव दिखाऊंगा, होई आन के मतलब कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो हमारे इंडिया से मिलती जुलती है, क्योंकि हमारे इंडिया में गाँव बहुत ज्यादा है ना। क्योंकि ऐसा कहते हैं किसी भी देश का जो एक्चुअल कल्चर होता है वो उसके गांव में बसता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको होई आन के गांव दिखाने लेकर जाऊंगा। तो सुबह सुबह मैं निकल चुका हूं अभी अपने रूम से। और लेकिन ऐसा ना यहाँ के गांव भी हमारे गांव की तरह नहीं, यहाँ के गांव ऐसा लगता है कि मिनी सिटी टाइप का आप समझ सकते हो, इतने डेवलप होते हैं क्योंकि टूरिस्टिक एरिया है ना, पूरी दुनिया यहाँ आना पसंद करती है। यहाँ पे इतने मतलब इतने खूबसूरत से रिक्शे होते हैं भाई साहब ना, एकदम से अलग ही डिजाइन के रिक्शे बने होते हैं। और ये देखो ऐसी जो गाड़ियाँ चलती हैं टूरिस्ट के लिए, देख रहे हो आप, इसमें टूरिस्ट आराम से घूमता है। और ये सामने रिक्शे देखो, एक बंदे के लिए एक ही रिक्शा होता है भाई यहाँ पे, देख रहे हैं आप, एक बंदा एक टूरिस्ट को पूरा गांव घुमाएगा इस तरीके से। अभी सब यहाँ से गांव जाएंगे घूमने के लिए। मैं आपको इनके साथ गांव नहीं घुमाने वाला हूँ, मैं आपको गांव घुमाऊंगा अपने हिसाब से। मैं लूंगा स्कूटी रेंट पे और खुद भगाऊंगा और ऐसे ऐसे कोने में जाऊंगा ना आपने भी नहीं सोची होगी। और ये तो वहां लेकर भी जाएंगे क्योंकि, लेकिन हम जाएंगे ऑफ रोड। फिर वियतनाम में गाँव में डीप एरिया में क्या छुपा है? क्या वहाँ के घर भी हमारे गांव के घरों की तरह होते हैं? क्या वहाँ भी मिट्टी के घर होते हैं? क्या वहाँ के गांव के बच्चे भी क्रिकेट विकेट या कुछ ऐसी एक्टिविटी खेलते हैं? वो सब कुछ तो आज ही पता चलेगा। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो भैया कल हमने अपने कपड़े वपड़े धुलवाए थे भाई साहब के पास, तो कपड़े हमारे आ चुके हैं देखो धुल के। अब कम से कम अगले 3-4 दिन हम आपका धुले हुए कपड़े पहनेगा। और मेरी कैब भी आ गई भाई लो। तो भैया हुआ कि मैंने कल रात सारे कपड़े धुलने दे दिया और ये टोपी ना मेरी धुल के आ गई है। कैसी लग रही है आप? ठीक लग रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर धूप बहुत तेज है पता है, यहाँ बिना टोपी के सर्वाइव नहीं हो पाता भाई, आंखों में ऐसे चमकती है ना धूप, क्या ही बताऊँ। तो भाई कपड़े वपड़े सारे धुल के आ गए, तो एक काम करते हैं इसको चेंज कर लेते हैं। तो लो भाई हो गया हम रोड पे ही चेंज, अंदर के पास चेंजिंग रूम भी नहीं था तो हमने कहा यहीं पे चेंज होते हैं। हमने क्या, हम तो लड़के हैं ना, हम कौन से लड़की हैं, तो हमने यहीं पर कपड़े वपड़े बदल लिए। बैग को इनको देते हैं और इनसे एक बाइक खरीदते हैं आसपास कहीं, पता करते हैं कि यहाँ बाइक रेंट पे कितने की और कहाँ मिलेगी। दिन की शुरुआत करने से पहले पेट पूजा होना जरूरी है क्योंकि दिन भर क्या मिलेगा खाने को इसका पता नहीं है। अपना चिकन एग राइस आ चुका है, चिकन एग राइस। गाइस अपन ने खाना शाना खा लिया है और अब ना हमको करनी है एक रेंट स्कूटी। यहाँ पर रेंट स्कूटी कितने की मिलती है मैं आपको बताता हूँ। चलो हमने अपनी आपका बाइक बुक कर ली है और अब इस बाइक को लेके ना हमें निकलना है भाई यहाँ से। और यहाँ पे पता है मेरे पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, मतलब आपका एक इंटरनेशनल लाइसेंस होता है ना। अगर आप वियतनाम आ रहे हो, थाईलैंड आ रहे हो, किसी भी देश में जा रहे हो तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बुला लेना, वो इंटरनेशनल लाइसेंस होता है भाई। उसके बिना अगर आपको पुलिस पकड़े ना तो आपका तगड़ा वाला चालान भी काट सकती है, कहीं पासपोर्ट वासपोर्ट जब्त ना कर ले, ऐसा भी कोई व्यवस्था। लेकिन हम लोग रिस्क ले रहे हैं, गाँव का एरिया है और जिन्होंने हमको ये स्कूटी दी उन्होंने हमको ये बोला है भाई साहब कि आप टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। आपका स्कूटी से पूरा वियतनाम घुमाएंगे आपको आज। आज मैं अपने हिसाब से घूमूंगा, ना कोई टैक्सी ड्राइवर, ना कोई बस ड्राइवर, ना ही कोई रिक्शा वाला, ओनली स्कूटी पकड़ेगा अपन इंडिया वाला और चलेगा वियतनाम के घर घर वाला। तो भाई अपना भाई आ चुका है, चलो ओके गाइस चले चलो चलो चलते हैं। तो भाई साहब इन्होंने हमको आपका गाड़ी तो दे दी थी बट पेट्रोल उसमें नहीं था। हम इनके पेट्रोल पंप में आए हैं, तो भाई देखो ये होते हैं वियतनाम के पेट्रोल पंप कैसे होते हैं पड़ेगा ना। और यहाँ पेट्रोल कितना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इंडिया से महंगा है सस्ता है। तो भाई अपनी गाड़ी में हम तेल भर रहा है, यस भाई जी पेट्रोल भरा लिया अपनी टुक टुक में, मतलब अपनी स्कूटी में। और बिल कितना है देखो आपका 45,000 रुपये का 2 लीटर पेट्रोल पड़ा है हमारी इस स्कूटी में। अब इससे हम पूरा गाँव घूमेंगे, पूरा शहर घूमेंगे होई आन का, ठीक है। अब आगे बैठ चुका है अपना भाई, तू चलाएगा? तो चलो भैया हम लोग अब निकल चुके हैं तेल वेल भरवा के। और तेल का जो प्राइस यहाँ पड़ा ना मेरे को, वो पड़ा आपका 70 से 72 रुपए के आसपास, मतलब कि आपका हाँ इंडिया से काफ़ी सस्ता है।
और ये पूरा शहर ना भाई काफी छोटा सा है, हम स्कूटी से ना 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा शहर घूम सकते हैं वैसे, बट मेरे को तो आज गांव घूमना है ना, तो ये देखो भाई स्कूटी से घूमने में कितना मजा आता है भाई। कल वैसे मैं यहाँ पे आपका साइकिल से घूम रहा था, तो चलो भाई शहर घूमते हैं अब। और यहाँ पे ना भाई अभी वैसे अभी तक तो हमको पुलिस नहीं मिली है, लेकिन आगे जाके पुलिस मिल गई ना, हमें तो पता भी नहीं यहाँ के पुलिस के कपड़े कैसे होते हैं यार, पता लगा सिविल में तो नहीं घूमती पुलिस, अगर ऐसा होगा तो फिर कलेश हो जाएगा भाई साहब। जितना हो सके पुलिस से बच के चलेंगे। तो भाई ये लो हम लोग आपका ओयान के शहर से निकल के ना हम लोग विलेज एरिया की तरफ आ गए हैं, और सामने देखो भाई ये आपके यहाँ के विलेज एरिया है, लेकिन अभी लग नहीं रहा विलेज जैसा अभी ना, ये मॉडर्न विलेज है, हमारे हिंदुस्तान से काफ़ी अच्छे हैं यार, लाख गुना अच्छे हैं। हमारे वहाँ के गाँव में तो भाई साहब क्या ही बताऊँ, कितनी रोडें कितनी टूटी फूटी रहती है, साले वहाँ के नेता भी चोर होते हैं ना, लेकिन मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर साइकिल से घूम रहा है देखो भाई। और यहाँ पे कौन सी फसलें लगा रखी रखी है इस टाइम पे पता नहीं चल रहा है यार। ये देखो वियतनाम में भी गाय भैंस होती है भाई हमारी तरह, देख रहे हो। तो भाई जी मैं ना गांव में शॉर्टकट मारते मारते पता नहीं किधर ही आ गया, और यहाँ पे देखो आपके वियतनाम के गाँव में घर कैसे होते हैं भाई, देख रहे हो आप, मतलब नदी है पूरी, नदी के ऊपर ऐसे ये पटले लगाए हैं लकड़ियों के तख्ते लगा रखे हैं, और उधर घर है, शायद इसके अंदर कोई रहता भी रहता है, या फिर ये खाली मछलियाँ वछलियाँ मारने के लिए यहाँ पर करते हैं पता नहीं, लेकिन देख के तो लग रहा है बाहर से ना कपड़े वपड़े सुखा रखें कि यहाँ पर लोग ऐसे ही रहते होंगे भाई भाई साहब। तो भाई वियतनाम के गांव भी देख लो कि वियतनाम के गांव में लोग रहते कैसे हैं, ऐसे वियतनाम में गांव में घर होते हैं नदियों के ऊपर घर होते हैं भाई वियतनाम के, यहाँ पे लोग मतलब जमीन में कम रहते हैं पानी में ज़्यादा रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी फसल वसल यहाँ पे इनको मछलियाँ वछलियाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है ना खाने पीने के लिए, तो इसलिए आपका ये नदियों में ऐसे नाव वाव लेके ना आपका फिशिंग भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब सब्जियाँ जो होती हैं सिंघाड़े विंगाड़े वाले सब्जी, और एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए भी ये लोग ऐसे नाव का यूज़ भी करते हैं, ऐसे देख रहे हो छोटा सा घर है एक कमरा है उसमें। एक बार तो मैं सोच रहा था ना कि इस घर के अंदर चले आऊँ, लेकिन यहाँ पे देखो आपका नाव रखी ना इनमें मछलियाँ मारने के लिए वो रखी नेट रखी हुई है, और यहाँ पे एक अंकल मैंने देखे ना अभी पीछे बोट चला रहे थे मछलियाँ वछलियाँ पकड़ रहे थे, यहाँ पर सारे मछुआरे वछुआरे रहते हैं मेरे ख्याल से इस गांव के अंदर, देख लो भाई वियतनाम के लोग भैया कहाँ घर बनाते हैं अपना नदियों में घर बना के रहते हैं। अब देखो मैं आपका आ चुका हूँ, मैं आपको गाँव का नाम बताता ना किम बोन, तो ये लिखा है भैया किम बोंग है भाई, इसका नाम है KIMBONG किम बोंग लैंक मोंग किम बोंग, और यहाँ पर रिवर ये पूरा गाँव का एरिया है देखो भाई, ये शहर से बिल्कुल अलग है ना, लेकिन यहाँ पे भी ना भाई बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने घुमाने के लिए, गांव मतलब थोड़ा सा मॉडर्न गांव मान सकते हो आप, हर घर के लिए बढ़िया सीसी रोड है यहाँ पे देखो इस तरीके से। तो भाई स्कूटी पकड़ते हैं अब गांव के अंदर की तरफ चलते हैं घूमने के लिए, कौन है कहाँ से रोड सही है कहाँ से खराब है पता नहीं चल रहा है। तो भाई ये देखो हम लोग आपका गाँव में चलते चलते पता नहीं किधर आ गए, यहाँ पर ना लोग खेती बाड़ी भी कर रहे हैं भाई यार गाँव के अंदर, अब पतली पतली सी रोडें आने शुरू हो गई हैं भाई साहब, लेकिन यहाँ सारी जगह पर ना जहाँ भी खेत दिख रहे ना खेतों में पानी भरा हुआ हर जगह भाई, अब यहाँ पर खेती किस चीज़ की होती है पता नहीं चल रहा है भाई, देखो सारे खेत तो ना एकदम कटे हुए हैं। तो भाई जी हम लोग अब गांव के थोड़ा और अंदर आ चुके हैं, अभी यहाँ पे ना मैंने गांव में एक चीज़ नहीं देखी, यहाँ पे ना जैसे हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है जैसे किसी की डेथ होती है तो उनको लेकर शमशान घाट जाते हैं, जैसे हम अंत्योष्टि धाम बोलते हैं, यहाँ पे ना लोग क्या करते हैं मतलब जैसे उनके फैमिली में कोई गुजरता है ना तो वो उसको शमशान घाट लेकर जाते हैं अपने ही खेत में आपका दफनाते हैं, जैसे यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना जिन जिनके परिवार वालों की मृत्यु हुई है उन्होंने अपने अपने फैमिली मेम्बर की ना जो कब्र होती है वो अपने खेत में बनाई है। यहाँ पे वैसे बुद्धिस्ट कल्चर फॉलो होता है फिर भी ये पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, शायद ऐसा होता होगा नहीं पता होगा, ये आपका वियतनाम के खेत हैं भैया, मैं आज वियतनाम के गांव में घूम रहा हूँ, और यहाँ पे ना आपका धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है वियतनाम के अंदर, इस टाइम पे मैं वियतनाम के धान के खेतों से निकलता हुआ जा रहा हूँ, ये आपके वियतनाम के गाँव है और यहाँ पे ना खेती कुछ इस प्रकार होती है। वैसे अगर आप ना टैक्सी वैक्सी से अगर यहाँ आएंगे ना अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, लेकिन अगर स्कूटी से आप घूमेंगे ना इस तरीके से तो आप पूरा गाँव ना कुछ ही मिनटों में आप पूरा गाँव घूम सकते हो भाई, और आपको मैं आपका यहाँ का कब्रिस्तान दिखाता हूँ, जैसे आपको मैं दिखाया था ना कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी जो अपने अपने परिजन हैं उनकी कब्रों को आपका अपने अपने खेतों में दफनाया है, लेकिन यहाँ पे ना कब्रिस्तान भी होते हैं भाई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कब्रिस्तान कैसे होते हैं, ये साइड में सारे यहाँ पे कब्रिस्तान है भाई, तो आपको दिखा के लाता हूँ कि कब्रिस्तान होते कैसे हैं, बस भूत ना लग जाए यार मुझे। तो यार मैंने यहाँ पे स्कूटी साइड लगा ली ना और मैं आपको कब्रिस्तान दिखा के लाता हूँ, ठीक है कुछ नया है मैं भी देखता हूँ क्योंकि एकदम से यूनिक है, मैंने वैसे क्रिश्चियन लोगों के कब्रिस्तान देखे हैं बट वो यहाँ से थोड़े से अलग। तो भाई ये देखो आप ये आपका वियतनाम के कब्रिस्तान है भाई जहाँ पे लोगों को लाश में लाकर दफनाया जाता है। तो जय बजरंग बली भाई साहब, मैं कब्रिस्तान के पास में हूँ, लेकिन पता है यहाँ से ना जो साउंड आ रही है ना भाई वो बिल्कुल अलग सी आ रही है, देखो सुनो आप, ये मैंने स्पीकर थोड़ा आगे कराया देखो। तो भाई ये सुनो आवाज आप इसकी चुप ना भाई की, पता नहीं काहे की आवाज आ रही है ना यहाँ पे, बड़ी डरावने डरावने सी आवाजें भी आ रही हैं, बट वो शायद इन्होंने ना अपने अपने कब्रिस्तान के अपने अपने कब्र के अंदर छोटे छोटे स्पीकर भी लगाए हैं मेरे ख्याल से, जो प्रे टाइप की होती है ना प्रे बोलते हैं
जो प्रार्थना करते हैं मेरे ख्याल से वो है। हमें शुरुआत में डर लगा लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं है भाई। इन्होंने बहुत सारी कब्रों के अंदर बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे स्पीकर लगाए हैं, प्रार्थना टाइप की चल रही है उसके अंदर, कुछ नया देखा था। तो चलो अब कुछ नया देखने चलते हैं, यहाँ से आगे की तरफ पकड़ते हैं अपनी स्कूटी, अभी गाँव में देखना बहुत कुछ बाकी है। वैसे मैं ना आपका कम से कम 7 से 8 किलोमीटर अंदर आ चुका हूँ वियतनाम में, मतलब इंटीरियर साइड आ चुका हूँ गांव के साइड। लेकिन एक बात और है, जैसे जैसे आप शहर से हट के ना गांव की तरफ आएंगे ना, लोगों का इंग्लिश का जो टच है ना वो और ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर आपको बात करने में, पानी खरीदने में बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको पता करना पड़ेगा पहले से कि भैया पानी को वियतनामी इसमें क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखो गांव के अंदर कैसे छोटे छोटे से घर हैं भाई, जैसे हमारे वहाँ इंडिया में होते हैं ना छोटे छोटे गांव में घर, बिल्कुल वैसे ही घर वियतनाम के गाँव भी होते हैं। और यहाँ पर कुछ खेती बाड़ी में ये तुलसी लगा रखी है, ये तुलसी का पौधा है भाई, देखो ये तुलसी की खेती कर रखी है। सामने आपका ये सोयाबीन या फिर भट बोलते हैं कुछ ऐसी चीज़ें लगा रखी है। हेलो हेलो, ये छोटे छोटे से बच्चे हैं भाई वियतनाम के गाँव के। ये देखो भैया ये आपका बैगन वैगन लगा रखा है इन्होंने खेत में वियतनाम में, भैया सब्जी अब्जी भी उगाते हैं। ये देखो आपको आज मैं वियतनाम के ना गांव घुमा रहा हूँ अंदर की तरफ से, कितने खूबसूरत लगते हैं। और यहाँ के ना मतलब बट यहाँ कुत्ते उत्ते की दिक्कत है ना, कुत्ते बहुत ज़्यादा दिखते हैं ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। तो चलो भाई अब निकल चुके हैं और थोड़ा आगे की तक गाँव को घूम के आते हैं। और यहाँ पर देखो भाई रोड साइड में ना पूरे वियतनाम के झंडे लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि बॉर्डर पार कर रहे हैं हम लोग। तो भाई चलो हम लोग एक नई लोकेशन पर आ गए हैं किंग बोंग गांव के अंदर, और अब मैं आपको वहां लेकर जाने वाला हूं ना जहां पे घर घर में नाव बनाई जाती है। मतलब यहां पे ना लोग मछलियां वछलियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, मछलियां और समुद्र के जानवर, तो ये लोग ना सब लोग मतलब मैक्सिमम लोग अपने घर पे नाव बनाते हैं। अंदर आपको मेरे पीछे नाव दिखाई दे रही है, ये लोग यहीं पर नाव को मैन्युफैक्चर करते हैं। मतलब मैं वियतनाम के एक ऐसे गाँव में आ चुका हूँ जहाँ पे घर पे नाव बनाते हैं भाई ये लोग, क्योंकि ये मछलियाँ वछलियाँ बहुत ज़्यादा मारते हैं ना। तो चलते हैं आपको नाव दिखा के लाते हैं। देखो आपका पानी के जहाज में ना नीचे की साइड से क्या होता है, देखो ये पंखे होते हैं बड़े बड़े जो पानी के जहाज को चलाते हैं भाई साहब। नाव तो मैंने आपको दिखा दी ना, अभी नाव बनाते किस लकड़ी से आपको वो दिखाता हूँ कि नाव को ना तून की लकड़ी से बनाते हैं। और यहाँ देखो तून की लकड़ियाँ ये पड़ी हैं भाई साहब, दिख रहा है इस तरीके से आपका ये पहले इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, फिर ये नाव तैयार होती है। बनती कैसे आपको दिखाता हूँ, ये लकड़ियाँ यहाँ पर रखी है, देखो ये आपका तून की लकड़ियाँ हैं, क्योंकि नाव जो बनती है ना वो तून की लकड़ी से बनती है। क्या आपने आज से पहले कभी नाव बनती हुई देखी है? नाव बनती कैसी, छोटी छोटी नाव तो खैर आप लोग देखेंगे नैनीताल में देखेंगे, लेकिन क्या बड़े बड़े समुद्र की जो बोट होती है फेरी वो कैसे बनती है? ये कुछ फैक्ट्री है देखो जहाँ पर आपका बोट बनती है भाई, लकड़ियों की कटिंग वटिंग सब इसके अंदर होती है। और ये बड़े बड़े तून की लकड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं जिससे आपका पानी का जहाज़ तैयार करते हैं। देखो वो सामने आपका पानी का जहाज़ है और इस फैक्ट्री के अंदर ही बनता है। और गांव के अंदर घूमने में ना बहुत सारी चीज़ें नई नई पता चलती हैं, शहरों में तो हम इन बोट में घूमते हैं लेकिन ये बोट बनती कैसे अब पता चला भाई। हम लोग आपका पहुँच गए हैं अब एक और गाँव के अंदर, ओयान शहर के, ये कोई दूसरा गाँव है। और यहाँ तो भाई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे गरीबी कंगाली में आटा गीला वाला हिसाब लग रहा है भाई साहब। खत्म हो गई रोड, वापस चलो यहाँ से। तो भाई जी ये गांव के अंदर आए और यहाँ रोड खत्म हो गया ना, गांव देख रहे हो आप, गांव में घर घर के पास बोट पड़ी है, देखो हर एक के पास बोट होती है भाई यहाँ गांव के अंदर। तो भाई आपका गांव के लास्ट छोर पे आ चुके हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेंपल है, पता नहीं कौन सा टेंपल है, कुछ पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, बाकी देख लो भाई आप अपने हिसाब से। आप यहाँ के टेंपल ऐसे होते हैं, मंदिर देख के तो लग रहा है कोई चाइनीज़ मंदिर है क्योंकि हर जगह पर ड्रैगन ड्रैगन बना है, लेकिन हमारे उत्तराखंडी कल्चर का ये आपका ढोल दमू जो बोलते हैं ना वो ढोल भी यहाँ पड़ा हुआ। तो कहने का मतलब है कि मिश्रण है आपका हिंदू और चाइनीज़ का। तो भाई ये वियतनाम के गांव के घरों में ना हर घर में आपका वियतनाम का झंडा लगा हुआ है। देख आप किसी का भी घर देख लो वियतनाम में, आपको हर एक घर में एक ना एक बोट मिली जाएगी भाई। चलो अपनी स्कूटी आ गई है, अब निकलते हैं दूसरे गाँव की तरफ घूमने के लिए। तो भाई बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना कि रोहित भाई आपने गांव नहीं दिखाए, गांव नहीं दिखाए वियतनाम की, तो इस टाइम पे आपका वियतनाम के गांव भी देख लो आप। देखो ये देखो भाई ये वियतनाम के गांव वाले घर हैं भाई, यहाँ पे भी झोपड़ियाँ होती हैं, देखो भाई देख रहे हो आप भाई। वैसे तो ना पूरे वियतनाम में कोई हमारी बात समझ नहीं पा रहा है, बट यहाँ पे मैंने आके कोका कोला बोला तो कोका कोला कहा उन्होंने, तो उन्हें निकाल दिया। कोल्ड कोल्ड चिल्ड चिल्ड, हाँ यस चिल्ड चिल्ड, हाउ मच फॉर दिस? नो नो ओनली ऑफर ऑफर 20,000 उन्होंने दिया है, उन्हें दिया 20,000 टू बॉटल। ओके 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 ओके, ये मुझे बताना चाह रही कि 20,000 की दो बोतल है, मुझे लगा ये कोका कोला भी ला रहे हैं और 20,000 रुपये दे रहे हैं मुझे। ये गांव की दुकान है भाई, 20,000 रुपये निकाल के दे दो भाई साहब इनको। और यहाँ पे देखो भाई गांव में सारे लोग ना ऐसे स्कूटी स्कूटी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे गाँव के लोग हैं आपके वियतनाम के, किंग बोंग गाँव है भाई यहाँ का ना। तो हमने काफ़ी देर हो गया, 2-3 घंटा हो गया था हमें घूमते घूमते, खाना तो हमने सुबह ही खा लेता अपने होटल पर, लेकिन हमने कहा चलो कोक ले लेते हैं, कोक पी लेंगे इसी वहाँ। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, यू नो इंग्लिश? वो काफ़ी फीका फीका है, हमारे इंडिया में तो बड़ा हार्ड मिलता है, और ये इंडिया वाला है भी नहीं, ये चाइना से आया हुआ लग रहा है, इसमें ड्रैगन बना पड़ा है। देखो इंडिया वाला कहाँ ही आएगा, यहाँ पे चाइना पास में ना हनोई, तो वहीं से आता होगा चाइना आइटम।
और हम कुछ भी इनसे खरीद रहे ना, तो इनको हमें बताना नहीं आ रहा है, तो ये हमें नोट दिखा रहे हैं और नोट दिखा के बता रहे हैं कि ये इतने इतने का है, फिर हम खरीद रहे हैं भाई साहब इनसे चीज़ें। अब हम निकल रहे हैं गाँव की तरफ से ना, शहर की तरफ को वापसी कर रहे हैं, तो ये गाँव के एरिया धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे भाई यहाँ। तो भाई मैं आपका गाँव से बाहर की तरफ को निकल रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे एक और टेम्पल दिखाई दिया, तो जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर ना काली काली चादर भी लटकी हुई, लेकिन इनको देख के लगता है कि गौतम बुद्धा जी हमारे, प्रणाम हो इनको। और ये ड्रैगन में क्यों बैठे हैं भाई, ये तो हमारे सिद्धार्थ भाई साहब थे जो इंडिया से गए थे, ये चाइनीज कब से बन गए यहाँ पे ना, मतलब गौतम बुद्ध को चाइनीज ही मानते हैं मेरे को लगता है सारे लोग। चलो मैं गाँव की तरफ निकल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, आखिर पैदल पैदल भी गाँव घूमना चाहिए ना यार, वरना फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। यहाँ पे देखो मैं गाँव में जा रहा हूँ अंदर की तरफ, यहाँ पे एक अंकल जी शायद मछली वछली मार रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। हेलो हेलो, फिशिंग। तो भाई ये अंकल जी ना देखो यहाँ फिशिंग कर रहे हैं, और ये ना आपका इनका जो मेन वो है काम आपका, मछली मारना, मछली पालना, और फिर शहरों में मछली बेचने का काम रहता है। अरे बाप रे, अरे घुसा दिया उसको भाई साहब, केचे में डाल दिया पूरा भाई। देख रहे भाई साहब केचुआ कैसे तड़प रहा है, वैसे केचुआ वेचुआ फंसा है लोहे में वायर में, और जाके आप इसको पानी में डाल देंगे इसको। ओ देखो भाई, इस बार मछली पक्का लाना बड़ू, ओके इस बार मछली पक्का आना चाहिए। एक मछली पकड़ के निकाला है अंकल जी ने, अभी तक एक ही मछली मारा है, सुबह से शाम हो गया, रत्ती बट्टी धोपरी धोपरी बे काम ने, एक मछी मारुल तुमल और करी के काम ने। और ये अंकल जो मछली मार रहे हैं ना, इनका जो घर है बिल्कुल इनके पीछे है जर। तो चलो मैं आपको वियतनाम के ना घर के अंदर लेके चलता हूँ, आखिर वियतनाम के लोग गांव के घर होते कैसे हैं, ठीक है आ जाओ। ये देखो आपके वियतनाम के गाँव के अंदर भाई घर कैसे होते हैं भाई, ये लोग भी अपने घर में खेती बाड़ी सब कुछ करते हैं भाई। वो जो अंकल आपने बाहर देखे थे ना मछली मार रहे थे, जो ये उनका घर है भाई, वियतनाम में भी गाँव के घर भाई देख लो, बाद में मत बोलना कि भाई मैंने आपको वियतनाम के गांव के घर नहीं दिखाए। शहरों में तो आपको दिखेगा कि लग्जरी है, लेकिन गांव में आके पता चलेगा भाई गरीबी यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। देखो नदी के साइड साइड में ना इन्होंने बहुत सारे केले के पेड़ खेती भी कर रखी है। तो चलो ओके अंकल, बाय 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 बाय, लव यू बाय। दो परी पे ब्याव तक एक मच्छी मारी रहे। चलो भाई अब यहाँ से गाँव की तरफ से निकलते हैं बाहर की तरफ को, अगर कुछ रास्ते में कोई और गांव दिखाई देंगे तो वो आपको दिखाऊंगा, वरना फिर हम लोग यहाँ से वियतनाम के होई आन सिटी में पहुँच जाएंगे, क्योंकि भैया यहाँ पे होई आन में ये मेरा आखिरी दिन है, कल मैं यहाँ से हनोई के लिए निकल जाऊँगा, और हनोई पहुँचने के बाद ना आपको लगेगा कि मैं भाई से मुंबई आ चुका हूँ एकदम लग्जरी। तो चलो भाई जी आपका, अब अंकल जी को छोड़ के निकल चुके हैं हम आगे की तरफ, आपको दिखाई दिया लब लब गाँव में क्या क्या चीज़ है, खेती बाड़ी है, कब्रिस्तान भी दिखा दिया। ये दिखाया किसने आपको आज तक, खेती बाड़ी कब्रिस्तान सब कुछ आपको दिखा दिया मैंने। अब यहाँ से निकल रहा हूँ गाँव से आगे की तरफ। तो भैया ये था वियतनाम का गांव जो आज मैंने आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही खूबसूरत और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी पूरी दुनिया के हर देश के एक एक गांव को मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इस गाँव में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बाय बाय।